वैसे तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने की इजाज़त नहीं देता है, पर आईपीएल 2017 में हमें बहुत सारे अंग्रेज खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं। पिछले डेढ़ साल में बेन स्टोक्स एक खतरनाक ऑलराउंडर के रूप में उभरे हैं। स्टोक्स राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। स्टोक ने आईपीएल 2017 ऑक्शन के लिए अपने नाम की मंजूरी दे दी है और वे आईपीएल का हिस्सा बनने के लिए काफी उत्सुक भी दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में भारतीय दौरे के दौरान दिए गए उनके बयान इस बात की तस्दीक भी करते हैं। एक तरफ आरसीबी और दिल्ली डेयर डेविल्स को एक ऑलराउंडर की जरूरत है, तो वही बेन स्टोक उनके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं और स्टोक्स के लिए ऑक्शन रूम में गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। केविन पीटरसन का आईपीएल इतिहास उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। पीटरसन आरसीबी, दिल्ली डेयर डेविल्स और पुणे सुपर जायंट जैसी टीमों का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि पुणे ने आईपीएल 2017 ऑक्शन के लिए उन्हें रिलीज कर दिया है। पीटरसन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और कैप्टेंसी स्किल्स बहुत सारी टीमों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। आईपीएल ऑक्शन में किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली डेयर डेविल्स जैसी टीमें उन्हें अपनी टीम में जरूर शामिल करना चाहेंगी। इंग्लैंड के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज जेसन रॉय भी आईपीएल 2017 की नीलामी का हिस्सा होंगे। रॉय ने अपने इंटरनेशनल करियर में डेब्यू भी भारत के खिलाफ ही सितंबर 2014 में एक T20 मैच से किया था। हालांकि रॉय लंबे फॉर्मेट में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए, लेकिन छोटे फॉर्मेट में रॉय एक खतरनाक बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं। पुणे सुपर जायंट्स, दिल्ली डेयर डेविल्स और किंग्स इलेवन पंजाब को एक ओपनर की जरूरत है और रॉय उनके लिए एक अच्छा विकल्प है। इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बैट्समैन एलेक्स हेल्स भी आईपीएल 2017 की नीलामी का हिस्सा होंगे। हेल्स अपने आप को स्पेशलिस्ट टी20 बल्लेबाज के रूप में स्थापित कर चुके हैं और आईपीएल ऑक्शन में उन्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। हेल्स हर साल बिग बैश लीग में खेलते हैं और आईपीएल में अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो ये उनके लिए पहला आईपीएल सीजन होगा। दरअसल एक ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में दिल्ली डेयर डेविल्स और किंग्स इलेवन पंजाब उनके नाम पर विचार जरूर करेंगे। एलेक्स हेल्स की ऑक्शन बेस प्राइस लगभग 2 करोड़ रुपए होगी। इंग्लैंड के T20 और ODI कप्तान वेन मॉर्गन भी आईपीएल 2017 की नीलामी का हिस्सा होंगे। मॉर्गन 2011 से आईपीएल खेल रहे हैं। वे आरसीबी, केकेआर और सनराइजर्स जैसी टीमों की तरफ से मैचेस खेल चुके हैं। सनराइजर्स हैदराबाद से रिलीज होने के बाद मॉर्गन जरूर एक बड़े आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट की तलाश में होंगे। मॉर्गन एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और एक फिनिशर की भूमिका भी बखूबी निभाते हैं। आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली डेयर डेविल्स की टीमें कमजोर हैं और मॉर्गन उनके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में इन पांचों खिलाड़ियों में से उस खिलाड़ी का नाम लिखें जिन्हें आपके हिसाब से मिल सकता है आईपीएल 2017 ऑक्शन में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के लिए माय क्रिकेटेनमेंट के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।